भाई, ये हम खड़े हैं कस्बा मूसा नगर की इलेक्ट्रॉनिक्स का। ये जो चाइनीज आइटम है, हम आपको दिखाना चाहते हैं। हमारे देश की, भारत देश की जो परंपरा चली आ रही है, इस दिवाली के त्यौहार पर कुम्हारों द्वारा बनाए गए मिट्टी के बर्तन को, जिसमें कड़वा तेल डालकर दीपक जलाने का काम किया जाता है इस दिवाली के त्यौहार पर। वही दूसरी ओर आप लगातार देख रहे हैं हमारे पीछे, ये चाइनीज आइटम है जो लोगों के द्वारा अपने में घरों में लगा करके और कुम्हार द्वारा बनाए गए मिट्टी के बर्तन दीपक को खत्म करने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारी इस परंपरा को नष्ट करने का काम किया जा रहा है। एक और जहाँ सरकार ये वादे करती है, चाइना जैसे देश से किसी भी प्रकार का कोई हमारा आयात निर्यात नहीं किया जाएगा, आखिर ऐसा क्या है कि सरकार के कहने के बावजूद भी खुलेआम चाइनीज आइटम यूज किए जा रहे हैं और लोग बड़ी जो है खुशी के साथ चाइनीज ढाल रहे, चाइनीज बल्ब ले जा करके कुम्हारों का कहीं ना कहीं रोजी रोटी नष्ट की जा रही है। अगर देखने के बाद ये है कि वो कुम्हार जो जन्मजात मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करते थे, आखिर हम अपने घर के खर्चों के लिए, बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए, भरण पोषण के लिए, आखिर कैसे वो इससे संघर्ष कर पाएंगे। कहीं ना कहीं सरकार पे एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। यूपी से केंद्र सरकार ये बार बार वादे करती है कि चाइनीज से हम कोई समझौता नहीं करेंगे, चाइनीज का आइटम हम अपने देश में कुछ भी यूज करेंगे। इसके बाद आखिर क्यों खुले हम ये चाइनीज आइटम बेचे जा रहे हैं और लोगों के द्वारा खरीदे जा रहे हैं। बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? आबरी। अच्छा, आज कौन सा त्योहार है? आज दीपावली। अच्छा, तो इस बाजार में आज तुम क्या बेच रही हो? बेलियां। अच्छा, अभी तक सुबह से बेच रही हो? हाँ। अभी तक कितना बिका है? आधा। आधा बिका, आधा बचा है। तो सारी दीपक आपकी क्यों नहीं बिकी है? लोग क्या दीपक यूज नहीं करते? लोग दीपक नहीं जलाते हैं क्या? जलाते हैं। मिट्टी के दीपक नहीं जलाते, जलाते। लोग झालरें ज़्यादा जलाते हैं, इसीलिए आपकी दीपक नहीं बिक पा रही है। तो मम्मी पापा क्या पूछेंगे, क्या बताओगी, क्यों नहीं बिके? झालर के वजह से नहीं बिकी है। चाइनीज झालर जो यूज कर रहे हैं लोग, इसके वजह से नहीं बिकी। आप चक्रवर्ती समाज से हैं, प्रजापति समाज से हैं, कुम्हार समाज से हैं, क्या लग रहा है पहले की भी आप अच्छा, अब दीपक में क्या लग रहा है? मिट्टी के बर्तन जो बना रहे हैं आप, अब क्या लग रहा है आपको? वैसे बिक्री है या डाउन हो गई है? बिक्री हर काम में डाउन है, दीपक के भी, इसकी भी डाउन है, मिट्टी के बर्तन तो उसका तो पूछना ही नहीं है। आखिर पहले की अपेक्षा जो हमारी परंपरा इस भारत देश की दीपक में तेल भरकर दीपक मिट्टी का दीपक जलाने की, तो आखिर क्यों लोग नहीं यूज कर रहे, उसको क्या कारण है? ये चाइना मॉडल की वजह से नहीं यूज कर रहा। किस समाज से हैं? कुम्हार समाज से? कुम्हार प्रजापति कुम्हार से हैं। अच्छा, तो क्या लग रहा है आपको इस दिवाली के त्योहार में जो भी आप मिट्टी के बर्तन दीपक वगैरह बनाते हैं, तो उसमें क्या समस्या उत्पन्न हो रही है? समस्या यही है साहब कि पहले तो मिट्टी फ्री मिलती थी, आप बोले तो इतनी महंगाई है, कुछ पूछो नहीं साहब, 1500 रुपए टाली मिल रही है हमको, मिट्टी भी मोल लेनी पड़ती है। अब बोले तो जितनी पहले नहीं बचे, अब उतनी नहीं बच रही, जितने पहले तो 200-300 रुपए बच जाता था, अब 150-200 रुपए नहीं बचते। क्या नाम है आपका? कुलदीप जी, आज कौन सा त्यौहार है? आज दिवाली है, मतलब सबसे बड़ा पर्व है अपना, दिवाली है जी। अच्छा, आज दिवाली है, दिवाली में कैसी दिवाली होती है, कैसे दीपक जलाए जाते हैं? देखिए, ये एक तरीके से दशहरा से हमारा स्टार्ट होता है ये उत्सव, और ये दिवाली हमारे राम के उपलक्ष्य में, मतलब खुशी के उपलक्ष्य में मनाई जाती है ये, और मतलब एक तरीके से मिलन
भी होता है हम लोगों की एक सारे समुदाय सारे लोग मिले। दिवाली इस त्यौहार में कहीं ना कहीं खुशी होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल खुशी अच्छा होती है। एक और जहाँ कुछ लोगों को खुशी होती है वही दूसरी ओर जी इस भारत देश में ये जो परंपरा चली आई है कुम्हारों के द्वारा मिट्टी के दीपक बना करके बैठ करके अपने परिवार का पालन पोषण करना, आखिर कहीं ना कहीं चाइनीज झालरों के द्वारा उनकी मिट्टी के बनाए गए बर्तनों पे कहीं ना कहीं रुकावट आई है, कहीं ना कहीं परिवार उनका तिथर बिथर हो गया है, क्या इसके बारे में कहना चाहेंगे? जी आप इस बारे में तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि एक तरीके से हमारा स्तंभ है, ये बुनियादी चीज़ें हैं। अगर ये हम लोग यूज करें, क्या नाम है, जैसे मिट्टी के दिए हैं या मूर्तियां जो है मिट्टी की यूज करें, तो ये नहीं कि रोजगार ही उनको मिलेगा, इसके उपरांत अपनी संस्कृति अपना कल्चर बचा रहेगा। और हमारे हिसाब से कि मिट्टी की ही चीज़ें जिसे दिया है दीपक है ये इस्तेमाल करना चाहिए। एक और जहां सरकार ये वादे करती कि चाइना से हमारे कोई भी संबंध नहीं होंगे, किसी प्रकार का हमारा कोई खरीदारी उनसे नहीं होगी, इसके बावजूद आखिर क्या लग रहा है आपको, कहीं ना कहीं सरकार इसमें शामिल है, क्या है कमीशनबाजी में या क्या लग रहा है आपको? देखिए इस विषय में तो इंटरनेशनल रूल्स होते हैं कि अगर जैसे मान लो कि अगर वो हम अगर उनका इंपोर्ट रोकते हैं तो हमारा भी एक्सपोर्ट रुकता है, तो ये ऐसा जैसे कि इस देश के लिए जी सर चाइना क्या क्या देती है? नहीं इसके लिए काम कर सकते हैं हम लोग, इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा सकते हैं, जैसे चाइनीज झालर की है हम लोग इम्पोर्ट ड्यूटी अगर बढ़ा दें तो हमारा जो रेवेन्यू सरकार को ज़्यादा आएगा, तो वो अपना एक बेसिक बुनियादी चीज़ों में यूज हो सकता है। अगर हम डायरेक्टली ये कहें कि बंद कर दें इम्पोर्ट तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी भी चीज़ें चाइना में बहुत बिकती हैं। तो सरकार की जहाँ एक और मंशा है कुम्हार समाज के प्रति जिनसे उनका जीवन यापन हो रहा है, एक और मंशा है, और दूसरी अगर उनके प्रति ये हमदर्दी और ये मंशा है तो फिर आखिर क्यों उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? सरकार ये चीज़ें जन लोगों के लिए है, अगर हम लोग चाहें आप चाहें या और लोग हैं वो लोग चाहें कि हमें चाइनीज झालर नहीं यूज करनी या नहीं जलानी है तो सरकार रोके या ना रोके अपने सिवा से अगर दिखेगी नहीं तो चाइना से आएगा ही नहीं माल। तो अगर हम लोग चाहेंगे तो दीपक मिट्टी का कुम्हार से ले कर जलाएँ तो उसको मिलेगा, ये हमारा लोगों का योगदान है। इस सरकार पर्सनली एक से एक में एक एक इंसान के ऊपर तो नहीं जा सकती है, ये चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा अपना देखना चाहिए।